There's something about arriving at new places, wandering empty streets with no destination. I will never lose the love for the arriving, but I am born to leave. Sometimes when you lose your way, you find yourself. I made up my mind not to care so much about the destination and simply enjoy the journey. I started driving and kept on driving and driving. By the end of the day, I reached a place called Kota in Rajasthan. It was never planned. And it's a beautiful place, a must visit in Rajasthan. It is around 20 kilometers from Kota. So these are the staircases for the Garadiya Mahadev temple, as you can see. So this water is coming from I don't know where, but it's coming somewhere from the inside. ये गर्म पानी है ऐसे नॉर्मल पानी lukewarm coming from inside the mountain. So it is coming from the mountain. भेड़ चराने वाले अच्छा आते थे यहाँ पानी पीने के लिए. अच्छा तो वो श्याम जी उनको दर्शन दिया था भोले बाबा ने. अच्छा भोले बाबा ने उनको दर्शन दिया था गाय भेड़ चराने वालों को. अच्छा इनको गरड़िया महादेव बोलते हैं, इसलिए इनको गरड़िया महादेव कहा जाता है. अच्छा और ये कितना प्राचीन है, कितना पुराना है ये? ये शिवलिंग हजार साल पुराने. हजार साल पुराने शिवलिंग है ये. अरे वाह. और यहाँ पे जंगली जानवर भी हैं आसपास? जंगली जानवर है, भालू है. अच्छा तेंदुआ है. अच्छा तेंदुआ है. शेर भी है? हाँ शेर भी होगा, लेकिन नजर नहीं आया शेर. बहुत बड़ा जंगल है, होगा शेर भी. अच्छा उस पार हो सकता है. उस पार वो तो शाम को निकलते हैं शेर, और तभी जो दिन में नजर आता ही नहीं. कभी यहाँ आता है तेंदुआ? अच्छा. So guys, I had a word with the pujari of this place, and they said के यहाँ पे गाय और बकरी चलाने वाले ग्वाले आया करते थे, तो उनको यहाँ पे महादेव ने दर्शन दिया था, इसलिए इस जगह का नाम गरड़िया महादेव है. और जो शिवलिंग अंदर है वो दैट इज अराउंड 1000 ईयर ओल्ड. और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ में लेपर्ड, टाइगर और बेयर हैं. ऑल्दो उन्होंने बोला कि यहाँ पे मैंने टाइगर कभी नहीं देखा, बट बाहर पुलिस चेक पोस्ट पे देवर सेइंग दैट देयर इज अ टाइगर इनसाइड. सो बट आई हैव ओनली सीन मॉन्कीज, नॉट एनी अदर एनिमल. एंड दिस इज अ वंडरफुल प्लेस, वेरी पीसफुल प्लेस. बट यहाँ मच्छर बहुत हैं, जो कि इतने माइन्यूट हैं वो नज़र नहीं आएंगे आपको, बट इट्स अ नाइस प्लेस. As you can see, a monkey on my car. So he just jumped off. This baby monkey. And there's a bigger one sitting there. So now we are back from Garadiya Mahadev, and we are in the middle of the jungle, and we are heading out to National Highway 22. मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे, ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे. मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे. दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है. यूं ही चला चल रही
खुशियाँ भी हैं, खुशियों की बगियाँ भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रहा है, यूं ही चला चल रहा है, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख, फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। Can you see, guys, there is nothing over here? Nothing means nothing at all. It's a dry salt lake which is called Sambhar Lake, and I am at the Sambhar Lake, and this is Shakambhari Mata Temple. So I have come to Shakambhari Mata Temple on my way back from Kota, Garadiya Mahadev. So guys, this is Shakambhari Mata Temple, and let's go and have the information what exactly is the history of this temple. मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे बात करते हैं और वो हमें इस टेम्पल के बारे में बताएंगे। आई एम श्योर कि हम पूरी इन्फॉर्मेशन उनसे गैदर करेंगे। शाकम्भरी, इसका नाम कैसे पड़ा? शाकम्भरी का नाम इसके सत्य में काल पड़ गया था। खाने के लिए अल नहीं रहा, पीने के लिए पानी नहीं रहा, तो देवता लोग भी डिसमिस हो गए। क्या करें? देवता लोगों ने बैठ के देख किया कि शाकम्भरी की पूजा अर्चना करो। उन्होंने बैठ कर शाकम्भरी की पूजा अर्चना करके शाकम्भरी को प्रसन्न किया। शाकम्भरी का जान नेत्र है, उसे जल की वर्षा हुई, उसे साग सब्जी पर पैदा हुआ, प्रजा ने पालन किया, इसलिए इसका नाम है शाकम्भरी। शाकाएं इसका नाम शाकम्भरी है। पृथ्वीराज राजा को वरदान दिया माता जी ने कि 12 कोस घोड़ा फिरा हुई चांदी की खान, मुझे कौन खान दे मैया, लड़ती आलम जान। तभी कर दिया नमक पान। प्रसन्न राजा को वरदान दिया कि जहाँ जहाँ तू घोड़ा घुमाएगा वह चांदी बन जाएगी। उस टाइम राजा वो कर रहा था, घोड़े पे सवार होकर चलते गए। महीना, 2 महीना, साल, 2 साल बीतते रहे, बीतते रहे। उनके मन में विचार आते रहे कि माता जी ने वरदान तो दे दिया पर चांदी भी बन रही है, नहीं देखो। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो पूरी धरती चांदी से चिलक गई थी। उन्होंने देखा चांदी तो गए पर मुझे कौन खाने देगा, दुनिया लड़ेगी, कटेगी, मरेगी। अपने घर गए, अपने घर जाके अपनी माँ को कहा कि माँ, मुझे वरदान मिला है। तो माँ ने भी खड़ी होकर देखा तो पूरी धरती चांदी से चलक गई थी। माँ ने कहा बेटा चांदी हो गई है पर अपने कोई काम की नहीं है, कोई गांठ नहीं होती तो तिजोरी में रख देते, चौड़े की चीज़ है, ये वरदान अपन को नहीं चाहिए। तो दोबारा माँ बेटे आके माँ की पूजा अर्चना करके माँ को प्रसन्न करते हैं। तो दोबारा माँ वरदान देती है कि जा, न चोर ले जाएगा, न कोई लड़ेगा, न कोई मरेगा। कच्ची चांदी नमक बन गया जब से, ये जब से नमक बन गया। तो ये सांबर झील के ये इतिहास है, ये इतिहास है कि पहले ये चांदी थी और अब बाद में नमक बन गया। नमक बन गया, ये जब से सांबर झील का नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे से समझाया मुझे, मैं आपका बहुत आभारी हूँ पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सो गाइज, बिहाइंड मी इज द शाकम्भरी माता टेम्पल, एंड वॉट आई हैव कंक्लूडेड आउट ऑफ माई जर्नी इज कि विश्वास, ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है। ट्रस्ट आपको ऐसी जगह ले आता है, विश्वास आपको ऐसी जगह ले आता है जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वहाँ पर कोई एग्जिस्ट भी करता होगा। और ये लोगों की आस्था और विश्वास ये लोगों को ऐसी जगह पर ले आती है जहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ अगर है तो वो सिर्फ विश्वास है, एक भरोसे पे कि मैं उस जगह पे जाऊँगा, कुछ मांगूँगा तो मेरी मुराद, मेरी कामना पूरी होगी। इस विश्वास के साथ लोग यहाँ आते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि विश्वास चाहे भगवान में हो चाहे इंसान में हो, वो बनाना पड़ता है। और आप भी कुछ ऐसा करिए कि वो विश्वास आप पर बने, लोग ये कहें कि हम आप पर विश्वास करते हैं। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू वेरी सून इन अनदर ट्रेवल ब्लॉग। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक आर फेसबुक पेज एट एक्सप्लोर माइल्स
एंड वी आर ऑन फेसबुक एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग ब्रेथलेस बट यस आई एम फीलिंग ब्रेथलेस सो डू लाइक आवर पेज एक्सप्लोर माइल्स एंड join us for our expeditions. We go to offbeat places, we go to such places which are less heard, less traveled, less seen. And I am looking forward to see you soon with me, Akhil Ghai, at some of such places.